वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। ये हम फौजी साहब के पास आज फिर से आ पहुंचे हैं। ये फौजी साहब इधर देखो, आज पूरा हेलो फौजी साहब, अपनी गन भजिया वाला गन पकड़ो। ये फौजी साहब का चेला और ये देखो इधर न्यूट्री पूरी क्या। ये हमारे पंच साहब जी हैं, ये अभी आने वाले इलेक्शन में अभी सरपंच की इलेक्शन लड़ेंगे। और वो हमारे पापा भगवाना जी और बाकी उनके साथी। ये देखो गांव में पेड़ है। ये हमारे चौकीदार जी साथ में हैं और कैमरामैन चूचू जी और कैमरामैन हमारे चूचू कैमरामैन आप ही हो। और ये देखो छोटे छोटे बच्चे, मेटाडोर आ गई है, सवारी आ गई है, मेटाडोर भी आ गई है और हमारे फौजी साहब की गाड़ी वो लगी है। न्यूट्री बनने जा रही है, न्यूट्री निचोड़ रही है, निचोड़ रहा है लड़का, मेहनत कर रहा है। टप पूरा हमने भर लिया, टमाटर की कटिंग हो गई है और ये हमने इसको ग्राइंड ग्रूड करके रख दिया है। ये देखो नींबू पानी भी लगेगा आज, इधर बहुत कुछ लगेगा। अभी हम बनाने जा रहे हैं यहाँ पे न्यूट्री। हमने रिफाइंड डाला है और प्याज डाला है इसके बीच में, पूरा देसी तरीके से न्यूट्री डालेंगे, बनाएंगे आज न्यूट्री। देखो यहाँ पे निचोड़ रहा है ये, वो टापो हमने भर लिया। ये आप काम कैसे कर लेते हैं ये सब? आप एक्सपीरियंस है शेफ का, पांडे मार लियो मेरे भी कर लो नहीं। ओए भैया इसमें क्या क्या डलेगा भैया? इसमें अभी हम थोड़ा इसको लाल करेंगे, समझो खाने खाने के लायक इसको बनाएंगे। इसमें टमाटर वगैरह है, बनाना तो खाने के लायक ही है। इसमें डलेगा क्या क्या मसाले डलेंगे? पहले इसमें ये देखो ये रखे हैं हमने कस्तूरी मेथी है, चना मसाला है, और भी बहुत कुछ है इधर। जो घरों में यूज होते हैं वही है, कोई इसमें बाहर कोई मसाला नहीं। अच्छा सिंपल चीज बनाओगे आप एकदम? बिल्कुल सिंपल। इसमें हमने देसी घी भी डाला है। अच्छा देसी घी भी पूरा? जी 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 पूरा देसी घी ठीक है। और जो हमारे फौजी साहब जी, फौजी साहब आए पूरे चिट्टा पजामा कुर्ता डाल के आए इधर। और भैया ये कब तक तैयार हो जाएगी, कितना टाइम लगेगा इसको? लक्षण लग रहे हैं बड़ा थोड़ा, 12 बज जाएंगे। अच्छा 12 बज जाएंगे। तो ये आप इतनी अकेले खाओगे कि क्या करोगे, बाकी वालों को खिलाओगे? नहीं यार लंगर लग रहा है। अच्छा लंगर लग रहा है उसके लिए बन रहा है, मैंने सोचा क्या बता 5-6 बंदे आए थे तभी ये खाएंगे। अच्छा लंगर का पूरा ये चल रहा है, हमारे लगे हैं देखो सारे। अच्छा ये कहा जाता है ये जितने बुजुर्ग होते हैं गांव के, ये सीसीटीवी होते हैं। ये देखो जितने बुजुर्ग बैठे हैं इधर, ये गांव की इनको हर एक बात याद रहती है, ये इनको सब पता था गांव में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। कोई भी बात अगर इनको पूछनी हो तो आप लोग इनके सीधे डायरेक्टली सीधे जो भी अपने अपने गाँव में बुजुर्ग हैं उनसे आप बातचीत कर सकते हो। खुशबू आ रही है मेरे को भाई, बहुत ज़्यादा खुशबू आ रही है इधर से ही, देसी घी की इतनी खुशबू आ रही है मेरे को। ओहो भाई क्या है यार, यम्मी पिज्जा बर्गर मोमोज बहुत ही स्वाद होने वाली यहाँ पे, क्योंकि ये देसी घी में बन रही है पूरी, नहीं तो रिफाइन में बनाते हैं लोग तो। और ये भाई साहब है जो हमारे, इनका चटोरी हट नाम से एक रेस्टोरेंट भी है लाड़ में, तो वो जो पाम पुल खुला हुआ नया उसके बिल्कुल पहले ही चटोरी हट आता है। आप लोग अगर टेस्ट करना चाहो इनकी चीज़ें चाइनीज़ और इंडियन में, इनका मेन्यू आपको मिल जाएगा पूरा, तो हम आपको मेन्यू इनका लिंक में डाल देंगे। अगर आपको होम डिलीवरी करनी होगी घर पे, 5 किलोमीटर एरिया में हम फ्री होम डिलीवरी करेंगे, उसमें तो कोई चार्जेस नहीं रहेगा होम डिलीवरी का। तो ये देखो हमारे सिद्धू मूसे वाले भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं, अभी रात को ये रैप कर रहे थे। सिद्धू मूसे हेलो मूसे वाले ठीक ठाक, आपको इंडिया देख रही है, आपको पूरा विश्व देख रहा है इस वक्त, इंडिया नहीं पूरा विश्व देखेगा। एक मारे डायलॉग हो सिद्धू मूसे वाले, प्याज पक रहा धीरे धीरे, अभी थोड़ा प्याज पक रहा है, जैसे ही प्याज पक जाएगा तो इसके अंदर हम क्या डालेंगे अभी? टमाटर डालेंगे वगैरह। अच्छा हल्दी जीरा तड़का, ये देखो ये रौंडा है ना, रौंडा ये आने वाले टाइम का यही है, ये आने वाले टाइम का शेफ है। भाई साहब आपको कितनी देर हो गई काम करते हुए? ये 5 साल ठीक है ठीक है। अच्छा तंता हाथ से नहीं निकला? नहीं
ये देखो जहाँ पे रुबजा भी बन रहा है। ये फौजी साहब अभी नींबू निचोड़ निचोड़ के डाल रहे हैं, इसमें चीनी शरबत बन रहा है जहाँ पे। ये देखो ये शरबत के बर्फ बुर्फ डाली हुई है, चीनी वगैरह सब डाला हुआ है। थोड़ी देर में शरबत भी तैयार हो जाएगा। यहाँ पे नींबू भी निचोड़ रहा है फौजी साहब। कितना टाइम लगेगा इसको बनने में? 15 मिनट 20 मिनट वो भी बोल रहे हैं, 20 आधे घंटे तक सारा सामान तैयार हो जाएगा। मजे से। फिर उसके बाद अभी हल्का हल्का ब्राउन हो रहा है प्याज। गाइस आप देखो गांव का व्यू देख सकते हो, कितना जबरदस्त व्यू आ रहा है। बादल देखो कैसे आ रहे हैं, नुक्का डाल के आ चुका है सुबह सुबह ही। पेड़ देखो भाई, ये बैर का पेड़ है। गाइस ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ब्लॉग को सपोर्ट करना, और अगर आप इस ब्लॉग को सपोर्ट करते हो तो हम ऐसे ही नए ब्लॉग लेके आएंगे, वो भी गांव में ब्लॉग लेके आएंगे। ऐसे ही नया नया कुछ बनाएंगे। कंस्ट्रक्शन का काम लगा है। अगला ब्लॉग पूरा चिटोरी हट का ब्लॉग है, हम आपको रिव्यू करेंगे उधर। ये देखो न्यूट्री थोड़ा इतना गर्म गर्म बॉयल की हुई है न्यूट्री को इन्होंने, क्योंकि जिससे क्या है कि न्यूट्री थोड़ी पक जाए और खाने में अच्छा लगे, टेस्ट अच्छा आए उसका। ये देखो सिद्धू मूसेवाले का भाई भी आ गया। प्याज जो कि ब्राउन हो चुका था, इसके अंदर डाल दिए हमने टमाटर। अभी टमाटर पूरे फ्राई होंगे फिर ही बाकी न्यूट्री जाएगी। इसके बीच में मसाले अभी ऐड नहीं किए हैं। फौजी साहब पूरे ऐसे सिस्टम के साथ लगे हुए हैं इधर, फौजी साहब पूरी तैयारी कर रहे हैं अभी। भाई यार व्यू देखो यार गाँव का, क्या ग्रीनरी लग रही है। मौसम भी आज जबरदस्त है, ना इतनी गर्मी है धूप भी नहीं है, बहुत जबरदस्त मौसम आज। मसाला बनके रेडी हो चुका है, सब मसाले वगैरह डाल दिए इसमें हमने। अभी हम डालेंगे इसका फाइनल है न्यूट्री डालेंगे इसके अंदर। सिद्धू मूसे वाला देखो हमारे पास आया है, न्यूट्री और ब्रेड खाएगा आज। फौजी साहब देखो कैसे पानी पिला रहे हैं। कितनी फेमस कर लिया साडी अंत अंत दो तू जो ना इकड़ा हड़ी मैं वाला आज जी या वाला कल मारा मैंने कोई को जा ए आए रे किस पे रहा। तो गाइस फाइनली हमारे न्यूट्री बनके तैयार हो चुकी है। कलर देख सकते हो आप, इसका फ्लेवर तो एकदम जबरदस्त खुशबू आ रही है। देखती जी खुशबू आ रही है इतनी कि कोई बोल नहीं सकता। न्यूट्री हमारी बनके तैयार हो चुकी है, हमने बन रहा स्टार्ट कर दिया है। देखो पानी शरबत हमारा फैंटा तैयार। जय देखो जय घर के लिए मांग रहे हैं भाभी साड़ी हमारी। सूबेदानी जी आ चुके हैं यहाँ पे। ये देखो सूबेदानी जी न्यूट्री खाते हुए। इस पर भीड़ बढ़ चुकी है इधर। पानी पर पोलिया।